कान में कई सेंसिटिव नर्व्स होते हैं जिसमें गंदगी जमा होने के कारण खुजली होने लगती है। कान में खुजली होने पर लोग उसे खुजलाने लगते हैं, लेकिन इससे इन्फेक्शन हो सकता है। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इससे छुटकारा पाने के लिए दवाइयों का सेवन करते हैं, लेकिन प्राकृतिक नुस्खे भी आप अपना सकते हैं। शरीर की नष्ट हुई कोशिकाएं और बाहरी धूल मिट्टी कान में जम जाती है, जिससे मैल कहा जाता है। अधिक मात्रा में जब ये जम जाता है तो इससे कान में खुजली होने लगती है। इसके अलावा कान में भोजन पानी जाने से, इन्फेक्शन होने से, सोराइसिस, ईयरफोन लगाने से भी खुजली हो सकती है। अब इसके अगर उपायों के बारे में बात करें तो एलोवेरा जूस की कुछ बूंदें कान में डालने से खुजली कम होती है। ये कान के टिश्यू में होने वाली सूजन को कम करता है। किसी भी तेल को गुनगुना गर्म करके कान में 2-3 बूंदे डालें और कॉटन से कान बंद कर लें। इससे कान में मौजूद बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं। कान के अंदर बार बार उंगली ना डालें। रुई का टुकड़ा और कॉटन बर्ड लगाकर साफ रखने से भी कई समस्याएं होने लगती हैं। ईयरफोन का कम से कम इस्तेमाल करें। इसके अलावा नहाने के तुरंत बाद ईयरफोन या सुनने की मशीन का इस्तेमाल करने से बचें। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए बोल्ड स्काई को सब्सक्राइब करना ना भूलें।